ये क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा। अभी तुम बाहर जाओ। जाओ, नहीं जाऊँगा। आपको मेरी बात सुननी होगी। लोगों की जान की कीमत पर ये पुल नहीं बनेगा। पुल बनेगा, वही बनेगा, और जरूर बनेगा। अपने अहंकार और लालच में आप इतने अंधे हो गए हैं कि लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं। आप लोग पुल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बेगुनाहों की जिंदगियों को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह एहसास न हो कि यह पुल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, इतने तो मूर्ख नहीं है आप। फिर क्यों कुछ पैसों के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अपनी औकात पर रामचंद्र, औकात तो आप भूल रहे हैं। इसीलिए आप अपने पद, अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, मगर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। न रहेगा बांध, न बजेगी बांसुरी। मेरे हिसाब से आपकी बनाई हुई योजना इसी लायक थी। आपकी बनाई हुई योजना बकवास थी, कूड़ेदान में फेंकने लायक थी, और मैंने वही किया। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाकर अपने जमीर को गिरवी रखकर यह पुल बनने दूंगा? अगर तुम पुल नहीं बनाओगे राम, तो कोई और बना लेगा। पुल तो वही बनेगा जिसे मैंने पास किया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हो ना, तो भुगतो। तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। वो भी एक माह के लिए, बिना वेतन का। काम नहीं तो वेतन कैसा? समझे? आप मुझे क्या निलंबित करेंगे? आप जैसे भ्रष्ट और मुजरिम लोगों के साथ काम करने से मैं खुद इनकार करता हूं, और मैं अभी इसी वक्त इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। रामचंद्र भाऊ ने उसी समय इस्तीफा लिखा और निकल गए। यहां से जाने के बाद उन्होंने मकान खाली कर दिया। मकान खाली करने के बाद वो गए कहां? ये तो मुझे भी नहीं पता बहन। आप एक बार कुद्दूवाड़ी जाकर मुख्यालय में पूछ लीजिए। हो सकता है रामचंद्र भाऊ यहां से निकल के वहां गए हों, और वहां किसी को उनके बारे में पता हो। आपकी सोच चाहे इसे छोटी जात का समझे, लेकिन ईश्वर के लिए यह उनका प्रिय है, और इसका प्रमाण है पहले तो इसके बाबा को विठोबा के साक्षात्कार होना, और अब स्वयं राम जी ने इसका घर बनाना।
आप ही बताइए, ईश्वर किसके साथ है? सही कौन है और गलत कौन? कितनी बड़ी गलती कर दी साई हमने, हमें माफ कर दीजिए। फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगी है जिसके आप सब गुनहगार हैं। हमें हमारे गलती का एहसास हुआ है भाऊ, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इस घर में रहने दीजिएगा। आप सबने इसको मारा, फिर भी इसने आपको माफ कर दिया। यही कारण है कि ये विठोबा का इतना प्रिय है। क्योंकि वो जात धर्म नहीं देखते हैं, देखते हैं तो इंसान की नीयत और नेकी। आज के बाद इस गांव में कोई ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे, ये मेरा वादा है। साई, आज आपने फिर से सिद्ध कर दिया कि आप ईश्वर का ही रूप है। जैसे वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, उसी तरह आप भी सबको एक ही नजर से देखते हैं। आज आपके कारण मेरा ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों का भला होगा इस गांव में, जो ऐसे भेदभाव को सहते आ रहे थे। शुक्रिया साई, शुक्रिया। हमें हमारी गलती का एहसास कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साई। राम जी भला करे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.